अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरी तो यार आंखें भी नहीं खुल रही। आज है ईद उल फितर का पहला दिन। अभी मैं उठा हूँ, बड़ी नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। सुबह उठ के अभी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके तो फिर नहीं है ना, ये कहते हैं पर हमार साहब ना आगे आ चुके हैं। चप्पल उतार, यहाँ पे चप्पल उतार जल्दी का। ये तो नहीं करके आ चुका है, अब मैं नहीं करता हूँ। तो जी आज का वीडियो करते हैं शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं तो हो चुका हूँ रेडी। मेरी वेस्ट कोट जो है वो नीचे पड़ी है, वो डाल के पहनता हूँ। थोड़ी सी प्रेस करने वाली थी तो वो मैं कुछ थोड़ा सा प्रेस करके फिर इसको पहन के चलते हैं जुमा पढ़ने को, ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए। यार जुमा कहीं जा रहा हूँ मैं, और इधर ये बैठा जी बाल बनाई जा रहा है अपने। हसान भाई हर्ष साहब के साथ चले गए पहले। हमारा प्लान है कि हम भी जहाँ पे वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं हम भी वही नमाज पढ़ लें, क्योंकि 7 बजे नमाज होगी, फिर 8 बजे होगी, फिर 9 बजे होगी। निकलते हैं भाई जल्दी फटाफट। सो जी ऑनवर्ड्स टू मस्जिद। तैयार शायद हो गया। वेस्ट कोट को थोड़ी प्रेस करनी थी, वो भी मैंने प्रेस कर ली है। बाल चाल मैंने बस नीचे कर लिए हैं। छोटे बालों का ये फायदा है, एक तो नहा भी चुटके भी हो जाता है और बाल बनाने भी नहीं पड़ते, जरूरत ही नहीं पड़ती बाल बनाने की, क्योंकि बाल छोटे होते हैं। तो मैं नीचे अपने फेंक देता हूँ, क्योंकि आप जब खुश होते हैं खुद ही खड़े हो जाना ऑफ बन जाता है, तो इसलिए इनको मैं छेड़ता ही नहीं हूँ। चल के मस्जिद में, सामने की कॉल आई है, वो कह रहे हैं मस्जिद में जगह है, जल्दी पहुँचो। तो चल के नमाज, ईद की नमाज पढ़ के आपसे मुलाकात होती है, ठीक है? ओ ठीक है ना। जुमा नमाज पढ़ने हैं, ईद की नमाज पढ़ने हैं। ईद की नमाज यार। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इजी पैन इजी भाई आप बड़े हैं भाई। ये माइंड है सही, ये माइंड है भाई आप बड़े हैं। सर आप बड़े हैं सर, इजी भाई इजी नहीं भाई इजी इजी भाई पांच पौंड साढ़े को ले ली तू, तू जी साढ़े देने पांच पौंड माइनस कर दे। पांच पौंड ठीक हो गया, माइनस हो गया, इक्वल हो गया। ना 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 नहीं। तो जी ईद की नमाज पढ़ ली है, तो अब जा रहे हैं जी घर। घर जाके कोई मीठी चीज खाते हैं चल के। वैसे मीठी चीज कोई बनाई तो है नहीं, केक एक पड़ा, केक खाने जाके। चले देखते हैं जो भी है सिनेरियो। तो आप सबको भी मेरी तरफ से ईद उल फितर की ढेर ढेर सारी मुबारकबाद, अल्लाह ताला शुभकामनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए ये दिन बाबरकत साबित करे और आपकी जिली जायज मुरादें हाजात पूरी फरमाएं। इधर जी फोटो सेशन हो गए हैं कंप्लीट सबके, और मैंने भी अपना ईद का जो मुबारक का जो था क्लिप वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है अपना। तो अब चलते हैं जी घर, चलते हैं यार, चलो यार चले यार, भूख लग रही है मुझे। हेलो ब्रदर, चलते हैं जी, मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। फोटो सेशन हो गया कंप्लीट, फोटो बड़ी सेक्सी है कसम से। और लेट्स सी चलते हैं घर, फिर प्लान बनाते हैं जो भी करना हो, फिर आपको साथ दिखाते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं। जाके भी बाल भी बनाने, मेरे बाल भी सेट नहीं हुआ, जाके बाल भी सेट करते हैं और फिर कुछ खाते भी है जाके। अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे हो कंप्लीट हो गया होगा, तो आई थिंक इसको दोपहर के टाइम इसको ये चला देंगे सारा। क्यों मार बेटा, आपने चूल्हे लेने हैं यहाँ पे? नहीं बेटा। घर आ चुके थे तो मीठा कुछ खाने को दिल कर रहा था फिलहाल, बाकी चीज़ें पिया वगैरह खाने को दिल कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी तो नहीं मिलेगा, थोड़ी देर तक खुलती हैं चीज़ें दुकानें, थोड़ी देर तक टेक वेज वगैरह खुलते हैं तो फिर ऑर्डर करते हैं। फिलहाल केक पड़ा हुआ था फ्रिज से निकाल के, बैठा केक खाया है तो माशाल्लाह, क्योंकि मुझे तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो इस वजह से भाई साहब मैंने कहा भाई मैं तो केक खा रहा हूँ। तो वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो
मुंह मीठा कर ले, आप कर ले पहले थोड़ा सा, फिर मैं खा लेता तो बात नहीं क्यों सर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है बाहर का किसी जगह पे जाना है, वहाँ से वापस आके तो फिर जाना है ब्रेडफोर्ड फूफा की तरफ। कल का दिन ब्रेडफोर्ड में गुजारेंगे। दोबारा बताइएगा। आप जो चीजें काउंट करवा रहे थे मैरिनेटेड दुमे लेके आए हैं, इधर वाली साइड पे है, इधर से आपके पीछे से रोशनी पड़ रही है, सोया भी है और वो भी है, केक कर दी, चांपे लेके आए हैं, ओके, और छोले लेके आए हैं, छोले अच्छा, साथ याली पुलाव लेके आए हैं, साथ बड़े भाई को भी लेके आए। चलो जी प्लान हो चुका है जी हमारा स्टार्ट। अब जो हमारा पहले प्लान था जहाँ पे जाने का, अब वहाँ पे जा रहे हैं, कोई बीच है वो बता रहे हैं कि बीच है कोई, तो वहाँ पे अब जाने लगे हैं। ये पूरी रोड ब्लॉक हुई है गाड़ियों की वजह से, क्योंकि इस पार्क के अंदर ईद की नमाज हो रही है तो उसकी वजह से सारी ये रोड ब्लॉक हुई हुई है। तो अब यहाँ से निकलने का भी बड़ा एक किस्म का बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क है। तो कपड़े आपके भाई ने चेंज कर लिए, ड्रेसिंग चेक कर लें आप, वो पहले वाली जो थी मेरी चेंज कर ली हुई है। तो जी जो डेस्टिनेशन है जो मैं आपको बता रहा था उसका नाम है जी हॉर्नी बे। यार ये नाम क्या है भाई, हॉर्नी बे बीच। अच्छा अबे तूने पहले मुझे कहा था हॉर्नी बे बीच है, मान ली मेरी गलती। अबे यार ये क्या बात हुई, मैं वही समझ में, हॉर्नी कहाँ से आ गई भाई, थॉर्नी बे बीच पे हम जा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं क्या हॉर्नी बे बीच कहाँ से आ गई भाई। अच्छा तो थॉर्नी, तो थॉर्नी बे बीच पे हम जा रहे हैं और आपके भाई ने ड्रेसिंग चेंज कर ली है। वो पहले मैं दूसरे वाली शलवार कमीज पहनी हुई थी, वो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उसमें, अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो अब मैंने दूसरे वाली पहनी है भाई साहब, ये इसमें मैं खुल्लम खुल्ला बैठा हुआ, ये थोड़ी सी कंफर्टेबल भी है, स्ट्रेचेबल कपड़ा है, और साथ मैंने पहना है जी पजामा, नीचे है जी मेरी खेड़ी, और अब हम जा रहे हैं जी होली बे बीच पे। ये हमारे साथ मेरे साथ है, हमने चीजें वगैरह भी ली है खाने पीने वाली, अब हम जा रहे हैं जी। पहुंच चुके हैं जी हॉर्नी बीच पे, थॉर्नी थॉर्नी बे बीच पे भाई साहब। बड़ा मजे का सफर रहा, बीच में मैं सो गया था, बीच में फिर उठ गया मैं। तो जी ये है जी हॉर्नी बे बीच, तो अब बाहर चलते हैं, चल के तो आपको फिर मनाजरात दिखाते हैं, इसको पता नहीं क्या हुआ, तो चल के आपको दिखाते हैं मनाजर, बाहर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। जैकेट यार किसी ने भी नहीं पहनी, मैंने भी नहीं पहनी। फाइनली पहुंच चुके हैं जी बीच में, इतना आगे चल के क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ये जी गाड़ी इन्होंने पीछे खड़ी कर दी और यहाँ पे आए जी चल चल के इतनी दूर, और यहाँ पे फाइनली बीच पे आ चुके हैं। और वो सामने आपको दिखाता हूँ, शिप वगैरह जा रहे हैं, ये उधर वाली साइड में पिछली साइड में भी गया। क्या हुआ, सबसे ज्यादा ये बीच ड्रेस पहना हुआ है, सलवार कमीज नाल जोगर पाए, साफ वाली जैकेट पाई। क्या लाउनी है, सामने की है, सामने की आगे वजन कुछ भी नहीं है, अंदर नहीं है, सारे नजर आ रहे हैं। इस जगह पे हम खड़े थे पहले, इस जगह पे वहाँ पे खड़े थे, काफी देर बैठ कर एंजॉय करते हैं, हवा इतनी ठंडी किस्म की चल रही है ना, अब तो खैर थोड़ी सी धूप निकली है, इस जगह पे हवा कम होगी, यहाँ पे हवा ज्यादा लग रही है, और सामने शिप वगैरह जा रहे हैं,
आ रहे हैं जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक वहाँ पे पोर्ट है उस जगह पे, आई थिंक सामने पोर्ट है वो आगे करके। तो यहाँ पे बैठने लगे हैं, खाने के लिए चीज़ें लेके आए हैं लेकिन अभी गाड़ी में पड़ी है, गाड़ी हमने इतनी दूर पार्क कर दी है, मेरा काम चेक करो। ये जी सामान शामान अपनी कार रहे हैं, हम मैं तो अभी गाड़ी में बैठा हूँ। बाहर भाई बहुत हरामी किस्म की सर्दी हुई है और अभी ये मार की तो खैर नाइट शिफ्ट है आज, तो इसकी तो जॉब भी है आज। तो हमने खैर थोड़ी देर तक निकल जाना ब्रैडफोर्ड के लिए पप्पो के घर। फिलहाल हम यहाँ पे पार्टी का प्लान बना रहे हैं चीजें वगैरह। चूल्हे शूल्हे और वो सारी चीजें वगैरह निकाल दी हैं, अब चल के चीजें वगैरह लैम जो लैम के वो जो है ना सॉरी चॉम्प्स और चैम्प्स जो भी है वो उसको कैसे कहते हैं करते हैं भाई प्रॉपर कुक करके, तो फिर खाते हैं पीते हैं। कबाब रह गए थे वो घर ही रह गए थे, फिर दोबारा वो गए थे स्टोर में, वहां सब लेके आए हैं। अब गाड़ियों में बीच के पास ही हमने पार्क कर ली, उधर से हम ले आए हैं, चलते हैं। मेरा बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा यार, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी आगे थोड़ी देर पहले आए थे ना जब, तो यहाँ पे उस जगह पे पानी नहीं था, पानी था लेकिन वो साइड पे आप गुजर सकते थे, लेकिन वो सारा पानी से भर गया। ये जो बीच थी यहाँ पे मैं आगे वीडियो बना रहा था, सारी बीच गई पानी के अंदर, पानी का फ्लो तेज हो गया। अब भाई मुझे लगता है यहाँ ऊपर तक आएगा पानी किधर। अच्छा ओह नाइस। तो भाई साहब यहाँ पे सारी बीच थी वो गई सारी पानी में, बहुत पानी की तेज है लहरें, क्योंकि पानी आगे काफी दूर था, अब एकदम से तेज हुआ है पानी। ये चीज़ें मेरे हाथ में हैं, ये इसके अंदर चीज़ें वगैरह हैं, बर्तन वगैरह और टिश्यू रोल मेरे पास है, और ये शॉपर के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ओह इसके अंदर केक है, इसके सवैयां भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हाय हाय इसके अंदर चिकन है, ये आगे ये चौंपे हैं इसके अंदर, जिंदाबाद बशर पुत्र मजा ही आ गया। ये है जी स्प्रिंग रोल फ्राई हो चुके हैं, अब इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों की बारी आएगी। सॉसेज किधर है? चल गया मुंह। ओ देखी 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 भरावा यार, ये ध्यान ना प्लास्टर गला पिघल गया है। तुझे किसी ने कहा था ये गरम तो है? नहीं अभी तो फ्राई होती थी, किसी ने कहा सारा मुंह में डाल लिया। रोल स्प्रिंग रोल तो खा चुके हैं, अब चांपों की बारी आ गई, ऊपर उसके ऊपर चिकन रख दिया है। हाय 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 जिंदा है जिंदा है, इंग्लैंड बैठे हैं माई के नजारे आई जान दे फुल ऑन बिश्ती बिश्ती हुई है, और इधर हाय 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 फुल हैवी सीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय हो रहा है। पानी ऐसा ऐसा भाई साहब यहाँ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, हालांकि पहले वो वहाँ काफ़ी नीचे था पानी, ऐसा ऐसा ऊपर भी आ रहा है पानी। तो पानी के ऊपर आने से पहले पहले हम अपनी पार्टी ख़त्म करके यहाँ से हो जाएंगे रवाना। पानी की सूरत हाल देखें, जब पानी तो भाई साहब यहाँ तक पहुँच चुका है, और वो जो पाइप थे वहाँ पर वो तो ख़त्म हो गए वैसे ही, और इधर भाई साहब चल रही है। और ये रहा जी आखिरी पूर, और कुछ बचगी छपने का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए भाई हम यहाँ पे इसको करते हैं खत्म,
और पानी की सूरत हाल तो आपके सामने वैसे यहाँ पे आना लग गया हुआ पानी। और इस पार्टी को करते हैं जी खत्म, इस व्लॉग को जी अभी खत्म नहीं करेंगे, अभी हमने जाना है ब्रेडफोर्ड। तो मे भी मैं ब्रेडफोर्ड का सेपरेट व्लॉग बना लूँ और मे भी इस व्लॉग को यहीं पे कर दूँ खत्म। देखते हैं आगे जाके गाड़ी में देखता हूँ मैं कितने वीडियो बनी है, अगर ज़्यादा टाइम हो गया हुआ तो फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर कर दूँगा खत्म। तो आगे चल के मैं बताता हूँ जो भी सूरत हाल है। फिलहाल शाम का मज़ा लेते हुए फिर चलते हैं भाई साहब, ख़त्म हो गया काफ़ी कुछ, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई है और चीज़ें वगैरह भी वाइंड अप कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह सारी सीमेंट ली हुई हैं और यहाँ पे सारी ये यहाँ पे ना पूरी पट्टी थी रेत की जो सारी पानी के अंदर आ चुकी हुई है, काफ़ी नीचे तक जहाँ पे वहाँ पे नीचे तक खड़े हुए थे लेकिन सारा पानी आ गया हुआ यहाँ पे। ओके ठीक है, अब हम आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मम्मी अबे यार बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी। माशाल्लाह जी चेक करें कितना खूबसूरत मौसम हुआ है आज। ये आयरलैंड में ये मौसम आम रूटीन में ये वाला मौसम होता है, धूप तो निकलती नहीं है, तो यहाँ पे दो दिन धूप एंजॉय करने के बाद भाई साहब आज वही पुराना मौसम हो चुका है, आयरलैंड वाला मौसम यहाँ पे भी हो चुका है आज। तो खैर व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मैंने चेक किया है वो काफ़ी 19-20 मिनट से ऊपर का व्लॉग बन चुका हुआ है, तो उसको भी कट करके उसको 15-16 पे लिख के ना, तो मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो भाई साहब, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना अपने वालदेन का ढेर सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, अपने भाई को भी याद रखेगा, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़ फी मानिला। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपकी आइलैंड के बारे में कोई क्यूरी हो तो आप वो मेरे से जाके वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके जी, बाय।